अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ जो है नाश्ते की तैयारी हो रही है 3 बजे। जायान स्कूल से आता है तो वो नाश्ता ही करता है, वो खाना खाना प्रेफर नहीं करता। तो फिर हम भी तभी नाश्ता करते हैं जब जायान घर पे आ जाता है। हम सबका नाश्ता है, खट्टा बनेगा। तो जी यहाँ हो रही है नाश्ते की तैयारी। जयान स्कूल से आ गया था, 2:15 तक आ जाता है, थोड़ी देर मस्तियाँ करता है, लेटता है, फिर जो है वो नाश्ता करता है। तो नाश्ते में उसको अंडा ही चाहिए होता है, वो कभी पराठा कभी चाय पापी, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। चलो जी नाश्ता करें। नाश्ता इज रेडी। बस जी खाने की तैयारी हो गई है। काली दाल बनेगी। 5:30 हो रहे हैं और चावल भीग गए हैं। सलाद भी बन गई है, नमक और सिरका नहीं डाला है, फिर आपको डाल लो। तो यहाँ जी खाने के साथ साथ खाना भी चढ़ा हुआ है। किचन में खाना बनता रहेगा जब तक विसल आएगी कुकर में, तब तक जो है वो चादर चेंज कर लेंगे। चादर नहीं चेंज की थी काफ़ी अर्से, जब हम यहाँ सोना शुरू हो गए क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई, तो अब हम अपने बेड पे सोते हैं, अम्मी के साथ नीचे नहीं सोते क्योंकि वहाँ पहले एसी चलता था तो वहाँ सोते थे। खैर वो 2-3 दिन से बिज़ी थे, कल अपने फ्रेंड को देखने गए थे, उसके साथ बड़ा ही बुरा इंसिडेंट हुआ। बस बच्चों के लिए बारबेक्यू बना रहा था तो अचानक से आग जो है वो भड़की उस कोयलों में, तो वो उसकी बॉडी उसका फेस काफ़ी बर्न हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसकी आंखें सेफ हैं, उसके दोनों हाथों पे ज़रा सी भी खराश नहीं है। तो बस जी कल देखने गए थे, बहुत बुरा दिल हुआ। अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे, उसके 3 बच्चे हैं, अल्लाह ताला उसे सेहत दे, उसका साया उनके बच्चों पर सलामत रखे। बस जी बहुत ही बुरा दिल हुआ कर उसे देख के, अल्लाह ताला उसे बहुत हिम्मत दे। बस जी ये चीज़ें देख देख के बड़ा ही अफसोस होता है कि अचानक से इंसान ने सोचा भी नहीं होता कैसे क्या हो जाता है। तो बस जी परेशानी। ये देखिए जी साफ सुथरा बेड, अल्लाह का शुक्र। ये सैटिन की चादर है फ्रॉम गुल अहमद। कितनी है? बस ये लास्ट। दिखाओ क्या खा रही हो? तो नहीं है। नहीं है, रखो। दिखाओ क्या खा रहे हो? इजरायली प्रोडक्ट खा रहे हो तुम? तो क्या हो गया? नहीं ये पहले की आई है ना, बायकॉट से पहले की है। अभी खा लेता हूँ ताकि कोई वजह से ना मेरा लहसुन काला हो गया। चलो ठीक है, खाना बन गया। नो खाली। तो जी बस ये छोटे छोटे से क्लिप्स शूट किए थे ताकि व्लॉग बन जाए। तो बस जी ये छोटा सा मिनी व्लॉग इसको कह लेंगे, ये मिनी व्लॉग आज हमने बनाया। तो देखें एंजॉय करें और मेरी फ्रेंड को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला ना कहानी आफतों से हमें महफूज रखे। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।